पाकि उर्दू यूनिवर्सिटी अब्दुल हक कैंपस में दो तलबा तंजीमों में तसादुम हो गया। तसादुम के नतीजे में मुतादिद तलबा जख्मी हो गए। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी पहुंच गई है। सूरत हाल क्या है जानते हैं आज न्यूज की नुमाइंदा अनुषा जाफरी से। अनुषा बताइएगा। बिल्कुल किरण, जामा उर्दू अब्दुल्ला कैंपस में जो है वो आई एस ओ के एंट्री के दौरान जो है तलबा तंजीमों के हंगामा आराई के नतीजे में जो है वो मुतादिद तलबा जो है वो जख्मी हो गए हैं। सुबह से ही जो है वो रेंजर और पुलिस की नफरी जो है वो अब्दुल्ला कैंपस में मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो पी एस एफ और आई एस ओ की जो तंजीमें हैं दोनों जो है वो आमने सामने आई हैं। सौ के पर रेंजर्स की जो नफरी है वो मजीद वहां पर पहुंची है। पांच स्टूडेंट्स को जो है वो गिरफ्तार जो है वो किया गया है एस एस सी सिटी के मुताबिक, जबकि अभी जो है सूरत हाल का जायजा लिया है और जो है उसको कंट्रोल किया है, लेकिन ये भी जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि कोशिश में आके फायरिंग करके जो है ये तंजीमों फायरिंग की है और जो शीशे मारे हैं आई एस ओ के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने शीशे बकायदा स्टूडेंट्स के ऊपर मारे हैं, इसकी वजह से वो जख्मी हुए हैं और कुछ जो खवातीन स्टूडेंट है वो भी इसमें जो है वो जख्मी हुई है। फिलहाल जो है वो सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन सुबह से ही फायरिंग बताइएगा, फायरिंग से कोई जख्मी तो नहीं हुआ। देखो किरण, ये कहा जा रहा है कि हवाई फायरिंग जो है की गई है ताकि जो है वो इस लड़ाई को जो है वो रोका जा सके, लेकिन वजह ये है कि सुबह से ही पुलिस और रेंजर्स मौजूद थी और उनकी मौजूदगी के अंदर जो है वो ऐसा वाकया जो है पेश आया। अब्दुल्ला कैंपस में पांच तलबा को जो है वो एस एस सी सिटी की जानेब से बताया गया है गिरफ्तार कर लिया गया है और मजीद कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी कि पुलिस और रेंजर्स की निगरानी के अंदर ही वाकया जो ऐसा पेश आ रहा है। अब्दुल्ला कैंपस में बताया जा रहा है कि अनुषा जाफरी बहुत शुक्रिया तहसीलात से आगाह कर रही थी।